नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बरेली से है, जहां यातायात पुलिस व पत्रकारों ने चौकी चौराहे पर नुक्कड़ नाटक की तरह हेलमेट को लेकर जागरूक अभियान चलाया। आए दिन हो रही दुर्घटना के दृष्टिगत SP ट्रैफिक व CO ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए यमराज बनाकर एक नुक्कड़ नाटक कराया गया, जिसमें यमराज की अहम भूमिका एक पत्रकार ने निभाई और उन लोगों को निशाना बनाया जो बगैर हेलमेट के थे या फिर जो 3 सवारियों को बिठाकर वाहन चला रहे थे। यमराज की ड्रेस पहनकर लोगों को हेलमेट लगाने के लिए किया प्रेरित, साथ ही ट्रैफिक नियमों के प्रति चलाया गया जागरूक अभियान। आपको बताते चले, जनपद बरेली के चौकी चौराहे पर पुलिस एवं पत्रकारों ने मिलकर लोगों को हेलमेट के प्रति किया जागरूक। बरेली के चौकी चौराहे पर आए दिन लोग बिना हेलमेट के निकलते हुए नजर आते हैं। कई लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग हेलमेट ना लगाकर ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। पुलिस द्वारा इतनी सख्ती बरतने के बावजूद भी लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जनपद बरेली में ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पुलिस कर्मियों द्वारा जगह जगह खड़े होकर भी चालान किए जाते हैं, फिर भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। इसी को देखते हुए कई बार पत्रकारों द्वारा इस पर खबर भी चलाई गई, लेकिन उससे भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। इसी कारण कुछ पत्रकारों एवं पुलिस के द्वारा चर्चा के पश्चात चौकी चौराहे पर एकत्रित होकर लोगों को हेलमेट एवं ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। बरेली के पत्रकार ने यमराज की ड्रेस पहनकर बिना हेलमेट जा रहे लोगों को रोक रोक कर उन्हें हेलमेट लगाने के लिए समझाया। उनके अन्य साथियों के द्वारा भी उनका भरपूर सहयोग किया गया। इस कार्यक्रम के समय बरेली के SP ट्रैफिक, CO ट्रैफिक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनीष, गजेंद्र शर्मा TSI एवं अनेक पुलिसकर्मी वहां उपस्थित रहे, जिनके द्वारा लोगों को ट्रैफिक के प्रति किया गया जागरूक एवं हेलमेट लगाने को किया गया प्रेरित। वहीं अगर पत्रकारों की बात की जाए तो वहां नव प्रभात सिंह, पवन त्रिपाठी, सुमित श्रीवास्तव, अनुराग शर्मा, सलमान, अरशद हुसैन, आशु बेग आदि अनेक पत्रकार वहाँ उपस्थित रहे। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महानगर बरेली में जैसा कि आप देख रहे हैं, यातायात का नियम अनुपालन न करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हमारे जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, लोगों को जागरूक किया गया और एनफोर्समेंट भी की कार्रवाइयाँ की, चालान भी किए गए। इसके बावजूद कुछ लोग जो सड़क में यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनको जागरूक करने के लिए और सड़क के नियमों का पालन कराने के लिए आज एक हमारे साथी जो आपके साथ में है करेंगे, तो हमको मजबूरी में ले जाना पड़ेगा। इन्होंने सड़क के नियमों का पालन कराया लोगों से और इनकी ये इनकी अपील है कि लोग सड़कों में यातायात के नियम का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यमराज के घर जाना नहीं पड़ेगा। लेके जाएंगे जो नियमों का पालन नहीं करेंगे। हाँ, तो सबसे नियम का पालन कराओ, किसी को लेके मत जाओ। लेके नहीं जाएंगे, जो नियम का पालन करेंगे उनको नहीं लेकर जाएंगे और जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनको लेकर जाएंगे। या तो यातायात के नियमों का पालन करिए या फिर यमराज के दर्शन करिए। यातायात के नियमों का पालन करेंगे या फिर यमराज के दर्शन करिए। अभी चालान जितेंद्र, 3 वालों को तो चालान कर दो। हाँ, तीन सवारी बैठी है, हेलमेट भी नहीं लगाए हुए हैं। वो कट गया तो चालान तो कट रहे हैं। चालान कटेगा? अरे कटेगा नहीं यार, गलत काम। ये तुम्हारी जान के लिए भी वो है ना, नहीं कटेगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।